अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और भाई साहब ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। हाँ यार पवन, शादी के बाद भी कोई ऑफिस आता है क्या? इसीलिए तो ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। कहाँ जा रहा है? हाँ बताओ भाई, कहाँ जा रहे हो? शिमला, मनाली या सीधा आउट ऑफ इंडिया? ना शिमला, ना मनाली, ना आउट ऑफ इंडिया। अरे आउट ऑफ इंडिया क्यों? हमारे ही देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ घूमा जा सकता है, और ऐसे ही एक खूबसूरत से शहर में जा रहा हूँ घूमने। कौन सा शहर है हमें भी तो बता। वो तो सरप्राइज है, सस्पेंस है तुम लोगों के लिए। जब घूम कर आऊंगा ना तभी बताऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ घूमने। अरे मैडम, आपकी अभी तक पैकिंग नहीं हुई है? हाँ बाबा, बस हो गया। जल्दी करो भाई, कैब वाला भी आ गया है और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। आप सामान तो रखवाओ, मैं आती हूँ। चलो ठीक, फटाफट आओ आप, है ना। तुझे तो देखकर लगता है कि तूने बहुत एंजॉयमेंट किया है। यार एंजॉय तो बहुत किया, बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ सुकून है, शांति है और सबसे बड़ी बात स्वच्छ वातावरण है। अरे कहाँ गया था? चलो आओ। तो इंदौर गया था? हाँ? भाई हमें तो लगा तुम शिमला, मनाली या कहीं और गए होंगे। अरे जरा बताओ कि इंदौर से साफ, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण वाला शहर और कोई हो सकता है? ऐसी जगह जहाँ सफाई हर वक्त होती हो, जहाँ गंदगी का नामो निशान ना हो, जहाँ हर तरफ शुद्ध और ताजा हवा और वातावरण हो। इसीलिए तो भारत का ऐसा शहर जो स्वच्छता अभियान में 4 बार नंबर 1 आ चुका है। तो भला बताओ मैं क्यों जाऊं तुम्हारा शिमला, कुल्लू या वो तुम्हारा क्या था, आउट ऑफ इंडिया? ठीक है भैया, हम भी जाएंगे अब तो इंदौर।